हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से इवनिंग की क्लास लेके आ गए हैं। इससे पहले की क्लासेज की जो इवनिंग की क्लासेज थी उनकी सभी की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। तो इसमें आंसर क्या होगा आपको पता लगाना है। जो आपका ये 925 है से 16 कैसे आ सकता है, उसी प्रकार से आपको 830 से ये निकालना है। ठीक है, तो देखो हम पता लगाते हैं इसमें। अगर हम इसको 9 + 2 + 5 करते हैं तो आपका आता है 16। तो ये 16 आ सकता है, तो अब इनको भी हमें जोड़ना है। 8 + 3 + 0 करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 11 आंसर हो जाए आ जाएगा। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेन आयक निम्नलिखित वर्गों को निरूपित करता है? सप्ताह। तो आपको पता होगा सप्ताह सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम सप्ताह का बना लेते हैं। ठीक है, अब सप्ताह और महीने में संबंध क्या है? सप्ताह के बाद महीना आता है, तो महीना। ठीक है, सप्ताह के अंत महीने के अंतर्गत सप्ताह आता है। ठीक है, और वर्ष के अंतर्गत महीना आता है। तो कुछ ऐसा डायग्राम इसका बनेगा। तो ऐसा डायग्राम हमें ऑप्शन बी में दिखाया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 30, 33, 37, 42, 48 और 55। देखो 30 और 33 में 3 का अंतर है, और 33 और 37 में 4 का अंतर, 37 और 42 में 5 का अंतर, 42 और 48 में 6 का अंतर, और 48 और 55 में 7 का अंतर है। तो ये एक सीरीज बनी है, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद अगर हम 55 में 8 ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो हम कितने ऐड करेंगे? 8। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 23। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है तो 671 को क्या लिखा जाएगा? देखो पहले तो आपको पता लगाना है कि 541 को 100 कैसे लिखा जाता है। तो इसमें हम पता लगाने के लिए या तो आपको जोड़ कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऐड करके देखते हैं। 5 + 4 + 1 तो कितने हो गए? तो ये हो गए 10। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 100 आ जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से 6 + 7 + 1 करके देखते हैं। 6 + 7 + 1 ठीक है, तो क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका 8 और 6 कितना होगा? 14। तो 14 का आपका स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो देखो RRB TTD, तो आपको RRB और TTD में अंतर पता लगाना है। आर कितने नंबर पे आता है? तो आर आपको पता होगा, अगर आर से हम टी जाएंगे तो +2 कहेंगे, तो आर से टी हो जाएगा। उसके बाद दोबारा टी है तो +2 कहेंगे, उसके बाद बी से डी जाएंगे तो भी +2 कहेंगे। इसी प्रकार हमें ये याद करना है। ए से जाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए पे फिर जाएंगे तो फिर से सी आएगा, और डी के 2 + कहेंगे तो एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सही बी हो जाएगा, CCF सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हम लोग, किसी कूट भाषा में एनिमल को 11, 49, 13, 112 कूट लिखा जाता है तो कैट को कूट में क्या लिखा जाएगा? देखो इसको हल करने के लिए आपको ये अक्षर को यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, एनिमल। अब आपको पता लगाना है कि कितने नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है, और जो एन है वो 14 नंबर पे, आई है वो 9 नंबर पे, एम 13 नंबर पे आता है, और उसके बाद ए 1 नंबर पे और एल 12 नंबर पे। तो ये संख्या बनेगी, इनके जो नंबर ही है और यही संख्या में दे रखी है। अब कैथ का पता लगाना है अपन को, किसका? कैथ का, CAT। तो सी आता है 3 नंबर पे, ठीक है, और ए आता है 1 नंबर पे, टी आता है आपका 20 नंबर पे। तो ये हो जाएगा 31, 20। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ए बी 27 है, बी सी 125 है, सी डी 343 है, तो ए बी डी बी बताना है, बताओ कैसे होगा ये हल। तो देखो आपको पता लगाना है ए बी 27 कैसे है। देखो अगर ए प्लस ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। बी कितने पे आता है? 2 नंबर पे।
ये हो गया टोटल 3। अगर 3 का हम क्यूब कर देते हैं तो आपका 27 आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बी सी बी आता है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, सी आता है 3 पे, तो ये हो गया 5। 5 कम क्यूब करते हैं तो 125 निकल के आता है, ये भी सही हो गया। सी आता है 3 नंबर पे, अब ये देखते हैं, ठीक है, सी 3 पे, डी आता है 4 नंबर पे, ये हो गया 7। 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम ये निकालते हैं, ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 और डी आता है 4, 2, ये हो गया आपका कितना, 9। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पंक्ति शिवानी का स्थान 2 ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने पंक्ति हैं। जब भी अगर आपको दोनों स्थानों से पता लगाना हो, मतलब आपको दोनों स्थानों से किसी भी व्यक्ति का आपको स्थान दे रखा हो या स्टूडेंट का स्थान दे रखा हो, तो आपको हमेशा 23 जो भी दे रखा है उसको 2 बार प्लस कर देना है, ठीक है। कितनी बार, 2 बार प्लस करना है, तो जैसे कि 46 उसके बाद -1 कर देना है, क्योंकि जो एक स्टूडेंट दे रखा था उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया है, एक एक माइनस करेंगे तो आपका 45 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है जिसमें से ए बी से बड़ा है, जो ए है वो क्या है, बी से बड़ा है, तो ये एक का डायग्राम हो गया, ये बी का, ठीक है। और उसके बाद और बी सी से भाई है, तो भाई है बड़ा नहीं, ठीक है, बी सी से भाई है, ठीक है, तो बी बड़ा है तो सी का यहाँ बन जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ी लक्ष्य ये बड़ी बन गई। उसके बाद क्या है, वो ए सबसे छोटा है, तो अगर ए सबसे छोटा है मतलब ए सबसे भाई नहीं है, तो क्या कहा है, ए सबसे भाई है नहीं, तो जो डी बचा है तो वो होगा ए से भाई, तो डी बन जाएगा, ठीक है। अब बताना है, तो बताइए सबसे भाई कौन है, तो ये डी हो जाएगा क्योंकि यही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के माता पुता की बहू है, तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसको हल करने के लिए आपको करना पड़ेगा, देखो आपको हमेशा जो भी उसमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको खुद पे लेके चलना है, ठीक है। तो जैसे कि विशाल है, जो विशाल है वो कौन है, वो आप हैं, ठीक है, विशाल कौन है, वो आप हैं, ठीक है, या कुछ भी आपको दे रखा हो नाम, तो वो आपको खुद को लेके चलना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लेके चलते हैं विशाल को, क्या कहा है, एक लड़की की वो इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एक माता पुता की क्या है, बहू है, ठीक है। तो दादाजी के बाद मतलब ये आप हैं, पहले आपके पिता होंगे उसके बाद ही तो आपके दादाजी आएंगे, तो ये आपके दादाजी आए यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद ये आपके पिता हैं, क्या है, पिता हैं, तो इसको जैसे दोबारा लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड फिर से करता हूँ ये क्वेश्चन, दोबारा समझा देता हूँ, देखो अब देखो अच्छी तरह से, ये वी विशाल आप हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पिताजी होंगे, उसके बाद आपके दादाजी होंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहा है कि मेरे दादाजी के एक माता पुत्र की बहू है, तो बहू जब बनेगी, ये पिता है, ठीक है, ये दादा है, तो इनकी क्या लगेगी, ये क्या लगेगी, इसकी ये विशाल की क्या लगेगी, तो ये विशाल की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, ठीक है, क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, पत्नी। आगे चलते हैं, एक पासे में 2 स्त्री दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत बताना है आपको। देखो मैंने बताया था दोनों में कॉमन ढूंढना है पासे में, और उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन ढूंढने के बाद आपको उसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलना है। तो जैसे कि हमने कॉमन ढूंढ लिया है 2, तो ये हमारी पहली या दूसरी संख्या, वैसे संख्या है कॉमन ढूंढा हमने, ये और ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ऐसे चलेंगे, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, इधर ऐसे चलेंगे, 4 का विपरीत 1, उसके बाद 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 3 का 5, तो देखो क्या पूछा है, 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें, जो ये क्या है, W दे रखा है, तो अगर हम आकृति में प्रतिबिंब में देखेंगे तो M दिखेगा हमें, तो M सिर्फ ऑप्शन A में दे रखा है, तो ऑप्शन A हो जाएगा आपका सही आंसर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखो 20 से अगर हम दी जाते हैं, 20 से अगर हम क्या करते हैं दी जाते हैं, ठीक है एक सेकंड रुकना सब लोग। अगर 20 से हम दी जाएंगे, देखो जो बी है वो कितने नंबर पर आता है, दो नंबर पे। डी कितने पे आता है, डी आता है आपका चार नंबर पे। एफ आता है छः नंबर पे। इस प्रकार जी कितने पे आता है, जी आता है आपका सात नंबर पे। एच आता है आपका आठ नंबर पे। जे आता है आपका कितने पे, जे आता है आपका दस नंबर पे। इसी तरह से एल आता है आपका कितने पे, एल आता है आपका बारह नंबर पे। एन आता है चौदह नंबर पे। और पी आता है आपका कितने नंबर पे, पी आता है आपका सोलह नंबर पे। इसी प्रकार से जो आ है, आ आता है आपका कितने नंबर पे, अट्ठारह नंबर पे। और टी आता है आपका चौथे में बताएं हम, टी आता है आपका कितने नंबर पे, बीस पे। और जो वी बचा, वी आता है आपका बाईस पे। देखो इसमें दो का अंतर है, इसमें दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है। और जो सेकंड है आपका दो चार छः हो गया, सात आठ दस, इसमें अंतर नहीं है दो का। इसमें सात के बाद एक का अंतर, उसके बाद दो का अंतर, इसमें भी दो का अंतर है। लेकिन ऑप्शन जो ये आपका बी है, इसमें दो का अंतर नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे दी गई विकल्प में इसे संबंधित शब्द को चयन कीजिए। जूते पैर, जो जूते होते हैं वो कहाँ पे पहने जाते हैं, पैर में पहने जाते हैं। तो इसी प्रकार जो टोपी होती है वो कहाँ पे पहनी जाती है, तो टोपी होती है वो पहनी जाती है सर में। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 15 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, तो आपको अगर यहाँ पे चिन्ह दे रखा है तो आपको ये पता लगाना है कि ये कैसे आया है, ठीक है। जैसे कि ये 10 कैसे आया है, 24 कैसे आया, ये पता लगाना है। इसको पता लगाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, हम अगर इनको सभी को ऐड करते हैं, ये वाले को 6 प्लस 4 10, 10 2 12, तो 12 अगर माइनस 2 कर दे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इनको ऐड करते हैं सेकंड खाने में, 2 और 8 10, 10 और 10 20, 20 और 26, 26 में 2 माइनस करें तो आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। ये भी सही पैटर्न है। अब इन सभी को ऐड करते हैं, 10 और आपका 10 और 18, 28, 28 और 12, 40, 40 में अगर हम 2 कम करें तो आपका 38 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 38। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग से आप पता होगा क्या नहीं बनाया जा सकता है, ब्लेड नहीं, बी ए एल डी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ए कहीं भी नहीं है ब्लेंडिंग में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना है और माइनस का मतलब प्लस है, और गुना का मतलब भाग है, तो भाग का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 54, अगर गुना का मतलब क्या दे रखा है, गुना का मतलब है भाग, माइनस का मतलब है आपका प्लस, भाग का अर्थ है आपका माइनस। अब इसको हल करते हैं, ये 6 भाग कट गया, और ठीक है 6 3 9, माइनस 4, 9 में 4 गए तो 5। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इसमें आपको क्या करना है, वर्ध गिनने, देखो सीधे सीधे गिनते हैं, पहले बड़े वाले वर्ध गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ध हैं बड़े। उसके बाद छोटे वाले गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 छोटे वाले हैं। उसके बाद ये गिनते हैं, ये वाले ये है ना, ये वाले 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही हैं, 8 5 13 हो गए, और 13 और 4 7 है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 7 है, कितने वर्ध हैं 7 है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में विकल्प को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे पी दे रखा है, तो कौन सी आकृति पी है बताओ जल्दी से। तो देखो क्वेश्चन, इसमें तो पी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक दंडी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें पी बन सकता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको घुमाना नहीं है। तो देखो ये ऐसे है, तो ये कुछ ऐसे बनेगी, कैसे, एक सेकेंड, ऐसे बनेगी कुछ, 3 लाइन ऐसे आएगी। तो ये ऑप्शन इसमें दे रखा है ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर है। इसमें दे रखा है ऑप्शन ए में, सही दे रखा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
आज की वीडियो के हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं 20 के 20। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।